सर एडवांस इंग्लिश अलग कॉपी में लिखेंगे, बेसिक इंग्लिश अलग कॉपी में लिखेंगे? आई एम टेलिंग यू एडवांस इंग्लिश एंड द बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश चलेगा बाबू, लेटर से स्टार्ट करेंगे। लेटर से इंक्लूडिंग वर्ड, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, ठीक है? इज इट क्लियर? एंड एडवांस इंग्लिश स्टार्ट फ्रॉम द वर्ब पार्ट। द पार्ट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच इंक्लूड्स ए वर्ब एंड द टॉपिक वर्ब स्टार्ट फ्रॉम एडवांस इंग्लिश। वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिक इंग्लिश में सिर्फ हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज से, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा वो। तो वैसे बच्चे जो इंग्लिश पहला क्लास कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे है ना जो पहले से भी क्लास हमसे कर रहे होंगे, है वो? तो जो जो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पहले से ही क्लास कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है नए आए होंगे, तो उनके लिए बेसिक इंग्लिश क्लास जो है, जो बच्चे नए आए हैं बेसिक इंग्लिश क्लास जरूर से जरूर करेंगे 9 से 10 में, है ना? 9 to 10 AM, ठीक है? और अभी 8 to 9 AM जो क्लास चल रहा है, ये आपका क्लास एडवांस सीनियर लोगों के लिए है, जो अप टू 5 के लिए है, 5+। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, और सभी बच्चे बी अटेंटिव, आई मीन बी केयरफुल एंड फोकस ऑन योर वीडियो ऑनली एंड लिसन केयरफुली माई लेक्चर। तो नाउ स्टार्ट द एडवांस इंग्लिश 8 AM टू सर 9 AM, ठीक है? 8 AM टू 9 AM में आपका है ना एडवांस इंग्लिश चलेगा। और हम यहाँ बता देना चाह रहे हैं कि इसके बाद जैसे ही क्लास होगा तो 9 AM टू, है ना, 9 टू ऐसे लिख सकते हैं, 9 टू 10 AM में आपका बेसिक इंग्लिश चलेगा, ठीक है? बेसिक इंग्लिश, फिर ये बेसिक इंग्लिश का क्लास चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द वर्ब। हमने सिलेबस पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में हमने सारे को सिलेबस बताया था कि बेसिक इंग्लिश में सिलेबस क्या है और एडवांस इंग्लिश में सिलेबस क्या है, ठीक है? तो देखेंगे यहाँ पर सब लोग, आप लोग सभी लोग हेडिंग देंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब एंड द वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज एंड वर्ब वर्ब क्रिएट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू वर्ब की दैट अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब इज नॉट पॉसिबल। सेंटेंस जो लैंग्वेज बनाता है, किसी भी लैंग्वेज को बात करें, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या है? सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, छोटा सा बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज है, तो जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, या उर्दू लैंग्वेज है, या बंगाली, या कोई भी एक्सेट्रा, जैसे मराठी, कोई, सब अपना अपना भाषा है। फारसी है, फ्रेंच है, चाइनीज है, जापानीज है, स्पेनिश है, ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग इन आवर नेशन इन इंडिया, दे आर सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन से वो डिपेंड करते हैं, एंड वे उनका जो भाषा है, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो अपना, जो कह सकते हैं कि उनका अपना पर्सनल जो लैंग्वेज होता है वो अलग अलग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे लैंग्वेज को कि सभी लोग, जैसे अब हम ये इंडिया को ही यदि बांट दें तो स्टेट्स में और कंटिनेंट में बांट दिया जाए, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स। और यहाँ स्टेट्स में सभी जगह ऑलमोस्ट, यदि हम बात करें बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, है ना, तो इन सभी एरिया में मोस्ट ऑफ द पीपुल, अबाउट 90% ऑफ द पीपुल स्पीक इन हिंदी। यहाँ हिंदी में बात करते हैं, एज वेल एज पीपल स्पीक इन इंग्लिश। उसी तरह लोग इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, बट यू नो डैट हमें करना क्या है कि ऑल द एक्सेप्ट एक्सेप्ट दीज स्टेट्स एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, मणिपुर, असम,
नागालैंड है ना, उड़ीसा, तो ये सब जगहों पर क्या होता है, उनका अपना अपना लैंग्वेज भी है, वो लोग उड़िया भी बोलते हैं है ना, उधर बंगला बंगाल टाइप तरफ में बंगाल भी बोल बांग्ला भी बोलते हैं, फिर इधर आ जाते हैं केरल, हाँ केरल, तमिलनाडु, बेंगलुरु, तो उधर भी हमारा जो गोवा ये सब में, या महाराष्ट्र में ही ले लो तो मराठी बोलते हैं, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज का क्रेज है, और कोई भी व्यक्ति अपना ही लैंग्वेज में बात करना चाहता है। तो लैंग्वेज सबसे पहले हम यहाँ एक डिस्कस कर सकते हैं कि वर्ब स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे से यदि ये पूछा जाए कि लैंग्वेज है क्या, और व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट द लैंग्वेज, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट लैंग्वेज। Sir, we have लाइक tried this. यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एंड एक्सप्लेन करेंगे लैंग्वेज को यहाँ पर थोड़ा सा, और उसके बाद डायरेक्ट भर में चलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमारा वो है जिसका आंसर आप लोग सोचोगे, यू थिंक बिफोर राइट, यू राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक नाउ। सर कंप्लीटेड बाबू, क्लियर, उतार लिए, हैव सर यू डन, एक्सक्यूज मी सर यस सर कंपाउंड नाउन होते हैं ना? या बाबू, अभी तक नॉन में आए नहीं है, लेकिन आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, कंपाउंड नॉन होता है बाबू, यू आर राइट, यू आर राइट। सर प्लूरल नाउन भी होता है ना? या बाबू सब बताया जाएगा, जैसे इसके क्लास में आने दो ना, 9 to 10 क्लास में बेसिक इंग्लिश में, अभी तो आप नहीं हाँ आपको हम बता दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन है तो वो आपका डॉट को हम क्लियर कर दे रहे हैं, नॉन होता है, और नॉन जैसे एक पेड़ होता है ना बाबू, मान लो अभी हम एडवांस इंग्लिश में इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा हिंट करेंगे आपको, एक पेड़ है, तो पेड़ क्या है, पेड़ सीधा बांस के जैसा उगता है, पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो एक पेड़ है जिसका एक मेन स्टीम है, तो मेन स्टेम है और उसमें ब्रांचेज हैं, वे सारे ब्रांचेज नॉन के टाइप्स हैं, मेन तो एक नॉन है, जो मेन ट्रंक जिसको ट्रंक बोलते हैं, मेन स्टेम को हम नॉन कह दिए, और उसके बाद जो ब्रांचेज निकले तो उसमें से हम बताते हैं कि प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, मैटेरियल नॉन। अब यहाँ पर बात आता है कि नहीं इसके अलावे भी नॉन होते हैं, तो काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। अब ये बात आता है कि सर इसके बाद भी नॉन होते हैं, तो हम कहते हैं कि कॉमन नाउन को हम यहां से निकालेंगे, और कॉमन नाउन को निकालेंगे क्योंकि कॉमन नाउन कैन कैन बी काउंटेड, कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं, तो उस नाउन को गिन सकते हैं, तो जिस भी वस्तु को हम गिनेंगे, सपोज डैट कि ये हमारे पास अभी वन पीस यानी सिंगल मार्कर है, यदि हम ये अब मिला दिए तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, फोर मार्कर, तो क्या ये वन मार्कर है तो हम वन मार्कर लिख रहे हैं, और यहाँ चार हो जाएगा तो फोर मार्कर ही लिखेंगे, कि फोर मार्कर्स होगा, वन मार्कर, और ये फोर मिला दिए तो क्या हो गया, फोर मार्कर्स, एस लग जाता है, ईएस लग जाता है, इस टाइप से, तो सिंगल है तो ठीक है, और प्लूरल है तो वो प्लूरल हो जाता है, यानी कॉमन नाउन को ही हम दो भाग में, सिंगुलर फॉर्म में एंड प्लूरल फॉर्म में बांट सकते हैं, जिसको हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन कहते हैं, एंड नेक्स्ट उसके बाद कलेक्टिव नाउन को हम बांटते हैं। एक और नाउन होता है बाबू, कंक्रीट नाउन, तो कंक्रीट नाउन के बारे में, तो नाउन का जो चर्चा होगा वो सारा चर्चा हम करेंगे, एंड द लास्ट एक होता है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जो होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, दैट्स ऑल, क्लियर। अब आते यस हैं सर हमारा जो, या हमारा जो ये टॉपिक है वो है एडवांस इंग्लिश में, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया लैंग्वेज, भाषा क्या है, आपको इसमें इंक्लूड करना है कि भाषा क्या है, एंड उसमें आपको बताना है कि लैंग्वेज को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, ये हम क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जिसे फर्स्ट यू ट्राई एंड थिंक अबाउट द लैंग्वेज, बिकॉज यू इन इन योर इनिशियल स्टेज व्हेन यू आर स्टार्टेड
स्टार्टेड टू टॉक। अब स्टार्टेड टू टॉक डेट मीन्स तुम जब तुम बच्चे थे और जब तुम बोलना शुरू किए होगे। व्हेन यू स्टार्टेड टू टॉक टू योर पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पेरेंट्स से जब बोलते होगे तो कैसे बोलते होगे, कैसे बोलते होगे पेरेंट्स से? याद है? याद ही नहीं है सर, कब हम बोलना स्टार्ट किए थे। तो बोलना है तो बोलेंगे क्या, तो बोलते होंगे आओ आई, इस तरह से बोलते होंगे ना। कोई भाषा होगा ना, कोई लैंग्वेज का बात होगा ना, कोई वर्ड का बात होगा। ज्यादा हो गया तब का मुंह फाड़ के चिल्लाने लगे। तो वहां पर हम भाषा नहीं जानते थे। एक बच्चा जो होता है जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ साउंड निकालता है। क्या निकालता है बाबू, से विद मी, वो क्या निकालता है? साउंड। साउंड साउंड ठीक है। और ये जो साउंड निकालता है ना, ये बच्चा जो चिल्लाता है या रोता है ना, रोना, तो ये बच्चा जो रोता है उसको क्राई बोलते हैं। वो चिल्लाता है और जोर जोर से रोता है, वो भी तो आवाज है लेकिन वो लैंग्वेज नहीं है। इसके बोलने को यानी साउंड कहेंगे, उसे हम लैंग्वेज नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का धातु एलिमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि पता है ना, एलिमेंट बहुत ही शॉर्ट चीज है। यहाँ से हम जब 9-10 में बताएंगे, 9 से 10 में, कि एलिमेंट्स क्या यूज किया जाता है लैंग्वेज में, तो कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में, तो वो सिर्फ साउंड निकालता है। और जब वो एलिमेंट्स सीखना चाहता है कि अब जैसे हम बात करें थोड़ा सा, यदि पप 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 करने लगा, तो यानी कि पेरेंट्स समझ जाते हैं कि वो प ध्वनि निकाल रहा है। ध्वनि, साउंड का मतलब ध्वनि, यानी प प निकालता है या म निकालता है। ठीक है, प प म म, ऐसे दो वर्ड जरूर निकालता है ना बाबू, क्लियर है ना? दो वर्ड क्या क्या निकलता है, या तो म म निकलता है या तो प प निकलता है। तुम्हें याद नहीं होगा, मम्मी से पूछ लेना, ठीक है ना, कि हम कौन सा वर्ड पहले बोले थे, कौन सा शब्द। ये शब्द भी नहीं बोले थे, हम साउंड निकाले थे, क्योंकि ये शब्द नहीं है। प और म, फ या र, ल, ये सब शब्द नहीं है, ये अक्षर है, लेटर। तो हम साउंड निकाले थे प और म का, ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक अटर्ड फ्रॉम आवर माउथ व्हेन वी वर चाइल्ड एंड स्टार्टेड टू टॉक टू आवर पेरेंट्स एंड आवर रिलेटिव्स एंड टू द चिल्ड्रन ऑल एंड आफ्टर ऑल व्हेन एवर वी स्लोली ग्रो अप। जब धीरे धीरे हम बढ़ने लगे ग्रेजुअली, तो उसी प्रकार ये अक्षर से कब शब्द बन गया और शब्द से कब वो सेंटेंस बन गया। तो फिर हम जब बोलने लगे तो हम तो अपने आप में, हमको तो बोलने आता है, हमको तो बोलने आता है, नित मतलब उसको क्या बोलते हैं कि हम लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो थोड़ा डांस करने लगते हैं। कि पहले तो हम चिल्लाते थे, साउंड भी नहीं निकलता था, और अब तो हम बोलने लगे हैं तो हम भी खुश और सब लोग खुश। तो देखते क्या है, दिक्कत यहां से शुरू होता है। बच्चा जब बोलने लगता है, डेट मीन्स स्पीक, बच्चा जब बोलना सीख जाता है तो उसको भेज दिया जाता है स्कूल, कि जाओ तुम बोलना सीख गया, अब तुम स्कूल जाओ, अब बोलने के लिए अब स्कूल में बोलते रहना तुमको जो बोलना है। ठीक है, तो हम लोग स्कूल चले जाते हैं पढ़ने के लिए। और फिर स्कूल जब पहुंचते हैं तो स्कूल में सिखाया जाता है, बताइए, स्कूल में सिखाया जाता है लैंग्वेज लैंग्वेज। और ये स्कूल में लैंग्वेज कहाँ से शुरू करते हैं? देखिए, हम लोग बच्चा से चले थे कि बचपन में हम लोग साउंड निकालते थे और साउंड का कोई मतलब नहीं होता था, तो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट किए थे तो पी पी पापा, एम एम मम्मा। और यदि किसी बच्चा को प्यास लग गया ना तो कहेगा मम्मा मम्मा, मम्मा का मतलब मम भी बोलता है, तो कहेगा कि प्यास लगा है पानी दो। पापा यदि बोल रहा है, डेट मीन्स वो पापा को खोज रहा है कि पापा को बोला हमको गोदी चढ़ना। और या तो फिर उसको मान लो कि ओ सर, उसका बच्चा का लैंग्वेज अलग होता है वो, है ना? तो उसका थोड़ा बहुत हमने बताया अब अपना लैंग्वेज में कि वो लोग क्या कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो कोई लैंग्वेज नहीं होता है, अपना वो इशारा में ही बात करता है या उसके रोने में ही, चिल्लाने में ही, शायद उसमें कुछ रहस्य है। ये तो मम्मी ही जानेगी कि मम्मी का तो अलग मिराकल ही होता है, उनका तो जादू ही अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्पीक जब वो बोलना सीख जाते हैं, और वो बोलना, वो भाषा कौन बोलना सिखाते हैं? तो हमारे पेरेंट्स। बोलो बेटा पापा हैं, बोलो बेटा मम्मा, बोलो बेटा दादा, बोलो बेटा पापा। तो इस प्रकार से ये शब्द हमें पहला शब्द होता है जो सिखाते हैं बोलने के लिए। और फिर धीरे धीरे बोलते हैं कि ये पानी है, वाटर है, ये रोटी है, ब्रेड है। तो घर पर ही हमें सिखाया जाता है कुछ कुछ वर्ड्स,
यानी कि वर्ड्स को बताया जाता है। यदि इस वर्ड्स को जो बताया जाता है, यदि उसके जगह पर, हाँ, इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन यूज इन एनी लैंग्वेज, बिकॉज की स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स में तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग अपना भाषा में बताया जाएगा कि वो क्या है। अब हम लोग जैसे यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे पानी है तो पानी बोलेंगे, और कहीं कहीं इसको जल तो जल खाबो, तो जल खाबो का मतलब क्या समझते हो, खाबो का मतलब क्या समझ जाओगे, तो वो अपना भाषा में बोलेगा। हम लोग क्या बोलेंगे कि पानी पीजिएगा, तो ये अलग चीज है, कहीं और बोलेगा कुछ, कहीं और। और जब यदि हम एक बात करें कि सबको ले लेके एक लैंग्वेज को बना ले इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या बोलेंगे, हैव यू ड्रिंक अ वाटर प्लीज, हैव यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या आप एक गिलास पानी लेंगे, या हमी को मांगना है तो क्या, कुड यू हैव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो बोलेंगे यस। तो इस प्रकार से तो हम वहाँ इंग्लिश में सिखाएंगे। यदि बच्चों को हम बोले ये वाटर है, ये पेन है, ये हेयर है, बचपन से ये स्टार्टिंग जब इनिशियल स्टेज होता है टॉकिंग, तो उसके लैंग्वेज में उसके बिल्कुल टंग है, उसके टंग पर भी वही चीज जो पहला प्रिंट होता है, क्योंकि उसके माइंड में, उसके ब्रेन में पहला वर्ड जो माइंड सेट होगा, तो वो माइंड सेट, जो वर्ड हम माइंड सेट करेंगे, वो वर्ड को वो कैच करेगा और प्रिंट हो जाएगा उसके माइंड में, जो आगे तक वो बोलता रहेगा। देखते हो, कोई नया वर्ड को बच्चा क्या करता है, कैच कर लेता है, किसी भी नए वर्ड को बच्चा कैच कर लेता है, और उस कैच करने का नया वर्ड, एक जनरल वर्ड जो है जो सिखाया गया जो डेली बोलता है उससे नहीं, एक नया वर्ड को यदि बोल दिया जाए, जैसे कि हम कोई नाम ले लिए ऑकर टाइप का, जो पहली बार सुना, स्ट्रेंज नेम होना चाहिए, जैसे हमने बोला हिप्पोपोटामस, यदि हिप्पोपोटामस नहीं सुना होगा, हाँ नहीं सुना होगा, तो वो रिपीट करेगा उसको, क्या बोले थे, हाँ हिप्पो, हिप्पोपोटास, हिप्पोपोटास, हिप्पोपोटी, मतलब अलग अलग टाइप निकालेगा, मतलब लेकिन पूरा क्लियर नहीं बोल पाएगा, लेकिन जब तक वो बोलते रहेगा, तब तक वो बोलते रहेगा, जब तक वो क्लियर नहीं उसको बोल ले कि नहीं, उसको समझ में आएगा कि वो हिप्पोपोटामस बोलना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, हिप्पोपोटी, हिप्पोपोटिस, हिप्पोपोटास, इस तरह से वो बोलेगा दो चार बार, लास्ट में क्लियर हो जाएगा कि हिप्पोपोटामस बोला गया था, तो बोलेगा हिप्पोपोटामस, तब जोर से हिलेगा, अरे हम तो बोल दिए, इतना अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो लेट्स लर्न अबाउट द बेसिक, हमने बताया कि कैसे हम अपने लैंग्वेज को अपने लाइफ में इनिशियल स्टेज से, है ना, एडॉप्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज आवर फर्स्ट स्टेप एट होम, बिगिंस फ्रॉम एट होम। एनी डाउट बाबू? तो लेक्चर को सुन लिए हैं, और आप लोग करेंगे कि पहला क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि हम लोगों को, हम जो भी बताए हैं, आपको बहुत सारा आंसर मिला होगा कि लैंग्वेज, भाषा सीखना क्यों जरूरी है, भाषा सीखना, और भाषा हम घर से ही सीखना शुरू कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन होता है, पूछता भी है बहुत जगह, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमारा जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका प्रथम यानी फर्स्ट स्टेज क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लैंग्वेज, हम बताएंगे पढ़ाएंगे। तो ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ बताना है कि हमें लैंग्वेज के, यदि जानकारी नहीं होगी, यदि हम लैंग्वेज को नहीं जान पाएंगे, तो क्या हमारा जीवन संभव है, क्या हम आगे कुछ कर पाएंगे, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आपको देना है बाबू, वो आप बताइएगा अपने अपने तरीकों से, क्योंकि चॉइस इज योर्स, एंड आई ट्राई टू ऑलवेज मेक यू अंडरस्टैंड इन इजी वे, एंड लेट्स स्टार्ट। हेडिंग देंगे वो वर्ब, मेक अ हेडिंग वर्ब, एंड द वर्ब इन हिंदी क्रिया, इसे हम बोलते हैं क्रिया, क्रिया डेट मीन्स, समझो, हाँ डेट मीन्स क्रिया किसी काम को कहते हैं, क्रिया कोई काम, वर्क होता है। सुबह, फ्रॉम मॉर्निंग टू द बेड, फ्रॉम मॉर्निंग टू द बेड, फ्रॉम मॉर्निंग टू बेड, कहने का मतलब सुबह से हम रात को सोने जाने तक, सुबह से रात को सोने जाने तक जितने सारे एक्टिविटीज होते हैं, याद रखना, जितने सारे एक्टिविटीज,
वे सारे एक्टिविटीज काम कहलाते हैं और उसे हम क्रिया कहते हैं। तो अब यदि हम स्टार्ट करेंगे बोलना अर्णव आनंद अनुभव, अनुभव आनंद को, सब वीडियो में बने रहेंगे बाबू, ठीक है? तो हाँ ज्यादा बदमाशी नहीं, ध्यान से। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है बाबू, ये है कि एक्टिविटीज जो हमारा होता है, अब एक्टिविटीज के बारे में यदि आप यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट द एक्टिविटीज, कि व्हाट यू डू फ्रॉम योर मॉर्निंग एंड टू द नाइट, सुबह से लेकर शाम तक तुम लोग क्या क्या करते हो, तो सारे आ जाएंगे वर्ब में, सारे किस में आएंगे वर्ब में, एंड एडिशनल टू द वर्ब वो सारे क्रिया तो आएंगे, उस क्रिया है ना, वो सभी एक्टिविटीज को हेल्प करने के लिए भी एक क्रिया आता है जिसे हम क्या कहते हैं। तो पहले माइंड मैपिंग कर करके हम क्रिया को समझेंगे, इसका डेफिनेशन भी समझेंगे, ठीक है? इसका डेफिनेशन क्रिया का पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है? का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। दो तरह के वर्ब हम पढ़ते हैं बाबू, दो तरह के वर्ब पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बाबू फिनाइट, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है, जो कि आगे तक काम देगा, ध्यान देंगे बाबू, अप टू 10 तक का सिलेबस चलेगा वो, फाइनाइट वर्ब्स होता है। एंड द सेकेंड होता है बाबू नॉन फाइनाइट, हाँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है? एक फाइनाइट वर्ब्स होता है एंड द सेकेंड वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है? तो ये दोनों वर्ब्स होते हैं, अब देखते हैं फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब कोई खास निश्चित क्रिया, नॉन फाइनाइट का मतलब कोई खास नहीं होगा या एक साधारण सा क्रिया होगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, ये भी डेफिनेशन जाएगा। सबसे पहले तो हमारा ये वर्ब क्या है, ये फिर फाइनाइट वर्ब क्या है एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर आगे जब बढ़ेंगे बाबू कि क्या क्या हमें वर्ब में पढ़ना है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो पूरा पहले हम समझ लेंगे, फिर हम फाइनाइट वर्ब पे आगे बढ़ेंगे। तो फाइनाइट वर्ब से आगे बढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है, देखना वो फाइनाइट वर्ब में पढ़ना है, फिर आगे जा करके एक पढ़ना है मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब में ही पढ़ना है मेन वर्ब, हो सकता है कहीं से तुम लोग स्टार्ट किए होगे पढ़ना मेन वर्ब, एंड ठीक है यहाँ पर बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है? तो यहाँ एक फाइनाइट वर्ब दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट वर्ब दो टाइप के, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है? मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हम और भी नाम से जानते हैं जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब वैसे वर्ब जो हमारा मेन वर्ब का सहायता करता है उसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को भी हम और कुछ कहते हैं, इसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है? तो मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अब यहाँ पर से समझेंगे कि मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के भी टाइप्स होते हैं, अभी इसके टाइप्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना? तो यदि आगे यदि हम बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि मेन वर्ब्स का भी दो टाइप्स होता है जिसे हमें पढ़ना है, आगे जाकर सबका डेफिनेशन लिखना है और सबका जानना है वन बाई वन। तो मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, इसमें दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, और एक आते हैं बाबू इरेगुलर वर्ब, एक आते हैं इरेगुलर वर्ब, ठीक है? एक रेगुलर वर्ब और दूसरा इरेगुलर वर्ब, ठीक है ना? यहाँ पर समझेंगे एक रेगुलर वर्ब और दूसरा इरेगुलर वर्ब, एंड आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है? इसी में हम इसका भी नाम हम अलग अलग नाम से जानते हैं, रेगुलर वर्ब को कहते हैं वीक फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी को हम वीक वर्ब भी कहते हैं, ठीक है? जबकि यहाँ पर ये इरेगुलर वर्ब दिया हुआ है जिसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है? ये दो हो गया, ये तो था रेगुलर और इरेगुलर का जो बात था, ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म, इसके कितने फॉर्म होते हैं, जी है ना? ये जो है इसको ध्यान देंगे कि हम बताएंगे कि वर्ब फॉर्म के अनुसार, वर्ब फॉर्म है ना,
वर्ब फॉर्म के अनुसार मेन वर्ब को रेगुलर और इररेगुलर में बांटा गया है, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे बाबू तो फिर बोलेंगे कि मेन वर्ब को फिर हम बांटते हैं, यहाँ से यदि मेन वर्ब से आएंगे, ये टाइप वन है, टाइप वन है और टाइप टू में भी बांटेंगे, तो मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब को दो प्रकार से और बांटते हैं, यहाँ ध्यान देना, इसको मेन वर्ब बोल रहे हैं, मेन वर्ब को हम दो प्रकार से और बांटते हैं, ये अलग अलग टाइप से, तो ये जो टाइप है ये बटेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे वो वर्ब फॉर्म के अकॉर्डिंग बढ़ा तो ये ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के अनुसार वर्ब बटता है यहाँ पर एक ट्रांजिटिव, ये सुने होंगे नाम, ट्रांजिटिव वर्ब, तनु एक बोली किधर हो जी, कैमरा घुमाए, तनु तनु कैमरा घुमा, बोली शैतान इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक कैमरा है। तो घुमा ही हुआ है इसको। हाँ तो कैमरा घुमाइए, आपका फेस नहीं दिख रहा। यहाँ हम समझे, यहाँ पर हमने समझा कि मेन वर्ब का दो टाइप होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। हाँ फिर अब देखिए फिर से एक बार समझा रहे हैं, वर्ब को हम पढ़ रहे हैं, वर्ब एक चैप्टर है, द मेन चैप्टर है, इसको वीवीआई में चैप्टर को बहुत अच्छे से हमें फेयर चाहिए और फेयर कॉपी मेंशन करके सभी बच्चे हमें सेंड करोगे, आपको सर बताएंगे कि कैसे फेयर कॉपी सेंड करना है। तो ये वर्ब का हमने बताया कि वर्ब इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट वर्ब में कौन कौन से वर्ब होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक पहला वर्ब फॉर्म के अनुसार रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब, एंड मेन फॉर्म का दूसरा टाइप होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। यदि इसको हम हिंदी में बात करें तो ये होगा सकर्मक क्रिया, और इसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दो टाइप का क्रिया पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम मेन वर्ब आपको पढ़ाएंगे, इसमें वर्ब फॉर्म भी आ जाएगा, जब कहते हैं ना सर वर्ब पढ़ रहे हैं तो वर्ब में वर्ब फॉर्म भी आता है, तो ये वर्ब फॉर्म हम इसी में पढ़ लेंगे। दो वर्ब फॉर्म दो प्रकार के हम पढ़ते हैं, रेगुलर वर्ब पढ़ते हैं और इरेगुलर वर्ब पढ़ते हैं, और दोनों का वर्ब फॉर्म बनता है, वर्ब फॉर्म पांच होते हैं जो कि डिस्कस करेंगे आगे। मेन वर्ब को दो प्रकार से और बांटा जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। उसके बाद बाबू ऑक्सिलरी वर्ब, सर क्या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, इसके भेद नहीं है, इसके कैंट्स नहीं है, है ना, इसके भी कैंट्स हैं बाबू, हेल्प सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब के भी कैंट्स हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के या ऑक्सिलरी वर्ब के जो कैंट्स हैं उसको भी हम बता देते हैं बाबू इस प्रकार से। एक इसमें होता है बाबू सिंपल ऑक्सिलरीज, एक होता है सिंपल ऑक्सिलरीज या सिंपल हेल्पिंग वर्ब, जो बोलो सिंपल ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो ये जो एक सिंपल ऑक्सिलरीज है उसके बारे में बताएंगे कि सिंपल ऑक्सिलरीज कौन कौन है, और दूसरा होता है ऐसे में बाबू, एक होता है मॉडल्स, एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज जिसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, आगे में आगे पढ़ना भी है कि मॉडल्स का एक चैप्टर होता है, हर एक मॉडल्स का अलग अलग होगा। तो यदि हम बात करें इंग्लिश में तो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या, तो द नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज 24, द नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स इज 24, ये गिन करके 24 होगा पूरे इंग्लिश में, लेकिन मेन वर्ब का बात करें तो ये तो लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, इसमें कितने वर्ब्स डेली नए नए वर्ब्स बनते हैं, क्रियाएं बनते हैं, आते हैं डिक्शनरी में ऐड होते हैं, तो इससे तो काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है जो मदद करता है मेन वर्ब को सेंटेंस क्रिएट करने में, तो सेंटेंस क्रिएट करने में जो मदद करता है वे हेल्पिंग वर्ब, वे ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, जिसको हम बता सकते हैं आपको यहाँ पर कि सिंपल और ऑक्सिलरीज के रूप में ये आपको 11 होते हैं, सिंपल ऑक्सिलरीज में 11 और मॉडल्स में 13 होते हैं, और ये दोनों को मिलाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो बाबू हम देख ही लेते हैं कि सिंपल ऑक्सिलरीज 11 क्या कितना है और मॉडल ऑक्सिलरीज में 13 कितना है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, जैसे 11 सिंपल में
बी बी फॉर्म में जगह नहीं मिल पाएगा, यहाँ नहीं दिखा पाएंगे आपको, जगह नहीं मिल पाएगा, क्लियर नहीं हम बता पाएंगे, इसलिए यहाँ हम नहीं देंगे। इतना ही जानेंगे कि नहीं ग्यारह, तो लिखिएगा ना नॉन फिनाइट अगले बार। हाँ उसके बाद बताएंगे। 13, अभी सिर्फ सबका काइंड्स जान लो, और एक 13, इसका 11 होता है और इसका 13 होता है। जब हम ऑक्सिलरीज वर्ब पढ़ाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाएंगे, तो उसी में बताएंगे सिंपल ऑक्सिलरीज 11 कौन कौन है और मॉडल्स ऑक्सिलरीज। हाँ इतना कर सकते हैं कि ये आप जान सकते हो कि एक बीईवी फैमिली आएगा इसमें, बीईवी फैमिली आएगा, फिर एक हैव फैमिली आएगा, फिर एक हैव फैमिली आएगा, फिर एक डू फैमिली आएगा, ठीक है, ये सभी आएंगे, है ना, और सब इसमें 11 हो जाएगा, ठीक है ना, मिला मिला करके डू फैमिली आएगा। ये सभी फैमिली में हम डिस्कस करेंगे, और 13 जो होगा सब अलग अलग है, सेल विल कैनकुड, वो भी हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबका वन बाई वन, बाबू कोई भी वर्ब, वर्ब से रिलेटेड छोटा चैप्टर नहीं है, पूरे वर्ब को ही जानेंगे कि ये एक जो वर्ब है ये एक पेड़ है, लेकिन इसके बहुत सारे शाखाएं हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, और सब सभी ब्रांचेज का अलग अलग गुण है, और सभी ब्रांचेज का अलग अलग काम है ना। ध्यान देते हैं, यहाँ नॉन फिनाइट्स में आएंगे, ये नॉन फिनाइट्स तो वर्ब है, देखो ध्यान नहीं देना है, फिनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो वर्ब का काम करता है, समझ लो ऐसा, फिनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब का काम करता है। यदि हम बोलेंगे कि लिक्विड जो तरल होता है, लिक्विड जिसको बोलते हैं, जैसे वाटर, वाटर लिक्विड है, हमारा वायल भी लिक्विड है, तो वाटर लिक्विड है और वायल भी लिक्विड है, ठीक है। या हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि पानी के जैसा दिखने वाला हर एक वस्तु पानी तो नहीं हो सकता ना, पानी के तरह दिखने वाला हर एक वस्तु पानी नहीं हो सकता, पानी का क्वालिटी उसमें लगेगा, लगेगा कि वो पानी है, सिम्स लाइक वाटर, इट सिम्स लाइक वाटर, सर कुछ तो बताइए, सिम्स लाइक वाटर, अब बताते हैं हम, पानी जो पीते हैं, जो नॉर्मल वाटर हम ड्रिंक करते हैं, और हमारा जो आंसू निकलता है, उस आंसू और पानी दोनों को लेंगे तो पानी जैसा रहेगा या नहीं, यस या नो, दोनों पानी जैसा रहेगा कि नहीं, बोलो जल्दी, सर, यस सर, दोनों पानी जैसा रहेगा, दोनों वाटर ही कहलाएगा, लेकिन ये टीयर्स हो गया और ये वाटर हो गया, इसको ड्रिंकिंग वाटर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, टीयर्स टीयर्स सर वाटर जो भाई। ये जो दुख होता है ना, जो जब ग्रीफफुल हो जाते हैं, जब हमको मेरे शरीर में, हमारे बॉडी में जब पेन होता है ना, तो यहाँ से ये जो निकलता है ना पानी, ये पीता नहीं है ये, बल्कि पानी को निकालता है, जैसे नल से पानी निकलता है, और हम लोग ड्रिंकिंग वाटर जो करते हैं वो पानी को पीते हैं। तो क्या निकलने वाला आंसू और पीने वाला पानी दोनों समान है देखने में, दोनों पानी है, क्या हम टीयर्स और पानी एक काम करेगा, पानी का काम है पीने का और टीयर्स का काम है बहाने का, पीने का और बहाने का, आंसू बहाने के लिए होता है और पानी पीने के लिए होता है, लेकिन देखने में लगता है एक समान, देखने में लगता है एक समान, सेम एज फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों एक समान ही लगते हैं देखने में, दोनों एक समान लगते हैं, लेकिन ये वर्ब का काम करेगा, और नॉन फाइनाइट्स में जो वर्ब्स आएंगे वो वर्ब का काम नहीं करेगा, सिर्फ वर्ब जैसा दिखेगा, इसलिए वर्ब के टैप में डाल दिए हैं कि वर्ब के जैसा दिखता है, इट सीम्स लाइक द वर्ब बट डज नॉट एक्ट और फंक्शंस लाइक वर्ब्स, वो वर्ब्स का काम नहीं करता है। जैसे कि एक बच्चे बच्चे हमसे बोल रहे थे, सर नॉन कंपाउंड नॉन, नॉन कंपाउंड नॉन, हाँ बाबू एकदम सही, ये जो नॉन फिनेट्स आएंगे ये वर्ब्स होंगे जरूर, लेकिन काम करेंगे नॉन का, काम करेंगे नॉन का, वर्ब का काम नहीं करके नॉन का काम करेंगे, तो अच्छी बात है सर, बताइए कि ये कौन कौन होते हैं, जरा इसका दर्शन कराइए, भगवान का दर्शन करने के लिए सब लोग काफी व्याकुल होते हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो नॉन फाइनेंस में जब आएंगे बाबू, इसको थोड़ा सा हम इधर खींच के ले जाते हैं, ठीक है, लिखना हाँ आ जाएगा नॉन सर, फाइनेंस का, प्लीज हाँ सर। अच्छा एक काम करो, पहले इसको उतारो फिर नॉन फाइनेंस के बारे में उधर हम देंगे, ये डन आपका सर, लिखना है। एक मिनट को बुला करोगे, लो। कॉपी को इस तरह से खोलना है, देखो
ये कॉपी हम खोलेंगे, ठीक है ना। ये कॉपी ले लिया और इसमें लिखना कैसे है, चूंकि दोनों साइड में लिखना है तो आपको क्या करना होगा, ये ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम वर्ब लिखेंगे, यहाँ चैप्टर, और यहाँ से जब बनाना स्टार्ट करेंगे तब पूरा आएगा, पूरा कवर करना है, ठीक है। और जैसे अलग अलग कलर से कर रहे हैं वैसे अलग अलग कलर से करो, और ये दोनों करो, उसके बाद नॉन फाइनेंस के बारे में आते हैं। मेरा तो मैं सर बनाई तो वर्ब्स के बनाई वर्ब से ही पेज भर गया पूरा। तो मैंने अच्छा मैं बन सुनो, गया लेट मी फिनिश। तो ये फिनाइट से एक पेज भर गया, तो नॉन फिनाइट दूसरे पेज में कर लो, इसमें क्या है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस प्रकार से तीन एरो बनाना है। एक एरो पहला आएगा जिसको हम बोलेंगे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इसका पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। दूसरा जो टाइप है बाबू इसको बोलते हैं जेरंड। दूसरा जो टाइप है इसको बोलते हैं जेरंड, ठीक है। एंड जो तीसरा टाइप इसका होता है बाबू, जो तीसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। उसका तीसरा टाइप जो होता है वो होता है पार्टिसिपल, ठीक है। हो जाएगा वो तो बताना, थोड़ा सा। हाँ, तीन तीन टाइप होते हैं बाबू, नन टाइप होते टाइप होते हैं इन्फिनिटिव, जेरंड। इसको इस तरह से जानो कि इन्फिनिटिव कहते हैं 2+V1, 2+V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। हम कैसे कहते हैं वो डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। बाकी सब जान लो आज के वर्ब कितने होते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा मन में नाउन के तरह कि कंपाउंड नाउन होता है या नहीं सर, ठीक है ना। तो वर्ब में भी सारे वर्ब्स को जानो, ये इन्फिनिटिव को 2+V1 है तो वो वर्ब के रूप में होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। जेरंड में आपको मिलेंगे वो V1+ING, जेरंड में मिलेंगे V1+ING, ING लगा हुआ रहेगा। और पार्टिसिपल आपको तीन टाइप का होगा बाबू, ठीक है ना। पार्टिसिपल तीन टाइप का होगा, हमको पार्टिसिपल को सिखाना पड़ेगा अलग से। ये पार्टिसिपल तीन टाइप का हो जाता है, ठीक है। ये पार्टिसिपल तीन टाइप का हो जाता है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे एक अलग से। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम V4 कहते हैं, या V+ING फॉर्म में, ठीक है ना, ये रहता है। और दूसरा होता है बाबू पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है बाबू, सर ठीक है। तीसरा फ्यूचर पार्टिसिपल। चलाया आपने मन से, प्रोफेसर बन गया ना हो, लगता रहा है कि प्रोफेसर बन गए हो, फ्यूचर पार्टिसिपल बना दिए, नया ग्रामर का टर्म पैदा किए हो, क्रिएट किए हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और एक यहाँ पर दिख रहा है वो, यहाँ यहाँ दिख रहा है, सर दिख रहा है वहां पर। तो हम यस यहाँ पर सर लिख, तीसरा जो होता है बाबू, यहाँ तीसरा देखते हैं, तीसरा जो होता है बाबू अरे परफेक्ट पार्टिसिपल। थर्ड नंबर में जो होता है उसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन तरह का पार्टिसिपल हमें पढ़ना होता है पार्टिसिपल में। और बाकी क्लियर है बाबू, है ना। नाइन फाइनेट्स में इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का तीन टाइप, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये रहा हमारा पूरा वर्ब का फैमिली। वर्ब के फैमिली में कितने हैं मेंबर्स वो आप पूरी तरह से याद कर लोगे। ए उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी। स्वाति बाबू ऑन कीजिए। ए स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सर इसका। स्वाति भोली, वीडियो ऑन करो बाबू। वीडियो बंद करके सब सुतल रहती है। सर थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दूंगी। अभी सब लिखो बाबू, पूरा फेयर में हम बताएं, फेयर सबका देखेंगे, तुरंत होमवर्क के रूप में मंगवाएंगे इस चार्ट को, भेजे। हाँ के रूप में ये चार्ट आएगा। नंबर के रूप में मंगवाएंगे इसको।
व्हाट्सएप। बिट्टू ये स्वाति ऑन करो, बोलिए स्वाति बहुत पिटा को वीडियो ऑन करे स्वाति। इसके बाद और लिखना स्वाति कहाँ गई? गुनगुन प्रधान कम करो। तेरा स्क्रीन शेयर कर दो, ब्लर आ रहा है, सब ब्लर आ रहा है। सही है, आप लोग जल्दी से लिखो मिटाने, लेट्स फिनिश, इरेज कर दें आप। सब ब्लर आ रहा है, सब ब्लर आ रहा है, सब ब्लर आ रहा है। सब लड़ा रहा है सर, डन। सब लड़ा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। क्या हुआ? चलिए ग्रुप में भेज देते जी, पढ़िए आप लोग। चलिए तो वो जो चार्ट है वो ग्रुप में चल जाएगा, आप करके भेज देंगे, ठीक है? वाला लिख लो ना, ऐसे भी स्क्रीनशॉट भेज देंगे सर, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं वो सर, आपको मैंने ये भी लिया है सर, ग्रुप ग्रुप से देख ले। नॉन फिनाइट मत मिटाइए सर, मैं छोड़ दीजिए। सबको समझ में आया बाबू? जितने स्टूडेंट्स हैं सबको समझ में आया? क्लियर? सारे यस सर, कैंट्स को आपने समझ लिया? यस सर, एनीबडी एल्स, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, प्लीज टेल मी इन द नो क्लास सर, एंड वी विल कंटिन्यू, गो अहेड। बस पार्टिसिपल का मतलब बता देंगे। ओके, आई विल टेल यू द पार्टिसिपल, प्लीज वेट एंड काम डाउन। सर हो गया, ओके चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि आज हम वर्ब का डेफिनेशन जानेंगे कि वर्ब क्या है, ठीक है? वर्ब क्या है, हेडिंग देंगे वर्ब और उसका डेफिनेशन लिखेंगे बाबू, ठीक है? सर राइट डेफिनेशन ऑफ वर्ब। सर अवार्ड अवार्ड विच इंडिकेट्स, विच इंडिकेट्स सर एनी एक्शन, बता रहे हैं बाबू, सारा आएगा। अवार्ड विच इंडिकेट्स द फिजिकल एक्टिविटीज एंड मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज और द स्टेट ऑफ बीइंग, जिसको एग्जिस्ट बोलते हैं, जो चीज पहले से है, ठीक है? अ वर्ड विच इंडिकेट्स द फिजिकल एक्टिविटीज एंड मेंटल मेंटल एक्टिविटीज और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब। इसको हम समझेंगे, इज कॉल्ड अ वर्ब, ठीक है? इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि अ वर्ड विच इज यूज्ड, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो और इंडिकेट
द एक्शंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब इज कॉल्ड अ वर्ब कहता ना कि वर्ब से हो समझते क्या इसको इन शॉर्ट हम यदि समझना चाहते हैं ये सब तो डेफिनेशन है कि एक ऐसा वर्ड ऐसा शब्द जिससे हम कोई शारीरिक श्रम फिजिकल वर्क करते हैं तो कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे जैसे उठना बैठना ये करना लिखना पढ़ना ये सारे फिजिकल वर्क हैं तो जो भी जिसमें हमारा बॉडी पार्ट्स का काम आता है जिसमें हम बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को शामिल रखेंगे वे फिजिकल एक्टिविटीज है जितने सारे फिजिकल एक्टिविटीज हैं और वे सारे वर्ब में आएंगे और इवन मेंटल एक्टिविटीज मन के अंदर में भी विचार करना थॉट्स को क्रिएट करना सोचना थिंक स्लिप करना बैठना ये सारा ये भी मेंटल एक्टिविटीज भी ये वर्ब में शामिल होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग जैसे कोई चीज अवस्था में पहले से है मौजूद है एग्जिस्टेंस अ वर्ड विच इज यूज टू शो और इंडिकेट द एक्शंस एंड द स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड अ वर्ब आप जो भी एज सुन एज पॉसिबल आप रिमेम्बर कर सको वर्ब क्या है इसको इस प्रकार से शॉर्ट में आपको यदि समझना है शॉर्ट में आराम से समझ सकते हैं वर्ब क्या है समथिंग हैपेंस या तो कुछ होता है और या समथिंग एग्जिस्ट या तो कोई काम घटना घटेगा हैपेंस का मतलब क्या होता है कोई घटना घटना ठीक है घटना कोई मूवमेंट्स होना कोई घटना ठीक है होना घटना होना या कोई काम करना या घटना घटना या घटना घटित होना वे समथिंग हैपेंस और समथिंग एग्जिस्ट ये दोनों जो काम होंगे वे वर्ब के अंदर में आते हैं वर्ब के कितने प्रकार होते हैं तो जान ही रहे हैं कि कोई भी काम हम करेंगे जैसे अब एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से एग्जाम्पल में डाल सकते हैं जैसे मदद करना हेल्प हेल्प में क्या किया हमने मेंटली हेल्प कर सकते हैं एडवाइस दे करके या हम हाथ से मदद कर सकते हैं उसके सामान को उठा करके तो हेल्प तो हेल्प मदद करना ठीक है जाना गो कम तोना सर हम आप बोल जंप सर वॉक ठीक है वॉक देखो वही फिजिकल एक्टिविटीज में थिंक वॉक रन देखो रन आप बैठे हो या खड़े हो सिट ये भी है ना गिव देना लेना टेक ये सारे वर्ब्स हो ठीक है ना उड़ाना उड़ना फ्लाई ड्रिंक ईट खाना पीना एक्सेट्रा रीड और राइट ये भी लिख दो रीड सर प्ले खेलते भी हो प्ले लास्ट में प्ले इट इज ये सारे एक्शनल इसमें बहुत सारे आपको एक्शनल वर्ड्स मिलेंगे और बहुत सारे बिना एक्शन के मिलेंगे जो मेंटल हो जाएगा जैसे क्या हेल्प जो होता है दोनों आता है गो जाना जाना हमारा ये फिजिकल में आता है आना भी स्लिप स्लिप में क्या आता है ना कि कोई एक्टिविटी हम नहीं करते हैं वो मेंटली दिमाग को आराम देते हैं इसलिए वो स्लिप है जंप में उछलना फिजिकल एक्टिविटी थिंक थिंक में तो कोई फिजिकल एक्टिविटी है नहीं दिमाग का काम है उसी प्रकार सारे को समझ लेंगे तो फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल एक्टिविटीज आपको समझ में आ जाएगा ठीक है जब आगे बढ़ेंगे तो ये सिर्फ है ना ये सिर्फ घटना घटने से नहीं होता है यहाँ समथिंग एग्जिस्ट भी होता है यानी कि कोई कुछ है जैसे वह है इज वह है आर वह थे वेयर वाज वेयर डू डज डू डज ठीक है डिड इट इज ये भी वर्ब्स हैं ये भी वर्ब्स हैं यार यदि हम आगे बढ़ेंगे इसमें शैल विल भी इंक्लूड कर दो शैल विल होगा होगी कैन कूड सकता है सकती है शुड इसे भी इंक्लूड कर दो ठीक है ये सारे वर्ब्स में आ जाएंगे तभी वर्ब्स के सारे एग्जांपल्स लगभग हमने देख चुका है यहाँ पर वर्ब क्या है और वर्ब्स के एग्जांपल क्या है वर्ब्स के कैंट्स वर्ब के टाइप्स अब जो भी बोले उसके पहले आप चर्चा कर लिए हैं और ये हमारा आपका वर्ब के बारे में बताना है कि वो क्या है कभी भी डेफिनेशन बता सकते हैं ठीक है।
ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, आज का क्लास इतना ही, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट